हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ये तंदूरी मसाला चिकन। देखिए किस बहुत अच्छे से बनता है, इस तरीके से आप भी बनाएं खाएं, बहुत बढ़िया बनता है, बहुत अच्छे से तैयार होता है, बहुत ही एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन बनता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो हम बनाते हैं। ये हमने लिए हैं चिकन थाई के पीस, ऐसे चिकन थाई आप पूरे पूरे ऐसे ही पीस ले लीजिए। इसके लिए तो मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम एक चाकू से इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ऐसे कट लगाने से ना मैरिनेशन में बहुत फ़ायदा रहता है, जब मैरिनेट करते हैं ना तो बहुत ही जूसी और मॉइस्ट चिकन होता है। तो अब इसमें हम मैरिनेशन के लिए डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और बड़ा नींबू ले लीजिए, 1 बड़े नींबू का रस। अगर आपके पास बड़ा नींबू नहीं है तो आप छोटे छोटे 2 नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे करके इसको लगा दीजिए। अब 1 चम्मच हम इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से सबको अच्छे से बिल्कुल इसके थाई थाई पीस पे लगा दीजिए चिकन के। ये देखिए इस तरीके से लगा के इसको रेस्ट कराएंगे हम 10 मिनट के लिए, इसको ऐसे रख के छोड़ देंगे। अब हम इसका मैरिनेशन के लिए तैयार करेंगे। ये लिया है मैंने 4 बड़ी चम्मच दही, इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तो ये हंग कर्डा हो गया है। अब इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 2 बड़ी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच कुटी धनिया, ये है रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला रेड चिली पाउडर है, और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 पिंच लाल कलर रेड कलर। फिर ये हमने लिया 1 चम्मच मेथी, इसको हाथ से इस तरीके से ऐसे कर लीजिए घिस के, इसको भी इसमें मिला दीजिए। थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, देखिए बहुत थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे इसमें, ऐसे करके अजवाइन घिस के डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा पानी, 1 नींबू को निचोड़ के अच्छे से डाल देंगे हल्का गीला, जैसे जिससे कि ये अच्छे से हमारा मैरिनेशन जो है ना मिक्स होके अच्छे से बन के एकदम बढ़िया तैयार हो जाए। देखिए नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, वैसे आपने उसमें भी नमक लगाया था ना और चिकन रेस्ट करने के लिए रखा उसमें भी, इसमें भी नमक डाला है, तो नमक आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए हमारा मैरिनेशन ये जो करा था हमने ये तैयार हो गया। ये पानी हमें लेना नहीं है, पानी हम इसको निकाल देंगे। अब इस पानी में हम हमारा जो मैरिनेशन है उसको लगा देंगे बढ़िया तरीके से। सारा नहीं लगा लेना है, थोड़ा सा बचा लीजिएगा क्योंकि अभी आपको ग्रेवी भी बनाना है, तो जितना इसमें लग जाए उतना लगाइए, बाकी आप रख लीजिए। तो इस तरीके से पूरी अंदर तक अच्छे से लगाएंगे। तो देखिए ये लगा के हमने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। ये हमारा बचा हुआ है तो इससे हम अभी यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए, इसे ग्रेवी बना लेंगे। तो चिकन हमने रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इस चिकन को एयर फ्राई करेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं। पैन फ्राई की रेसिपी मैं डाल दूंगी चैनल पे, तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन एयर फ्राई पैन फ्राई अभी मैं एयर फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने एयर फ्रायर लिया है, इसमें अपने चिकन के पीसेस को सेट कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से इसको सेट कर दीजिए, सेट करके इसको ढक के रख दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें हमने देखिए प्लेस कर दिया है। अब हम इसमें टाइम सेट करके छोड़ देंगे। पैन फ्राई करने के लिए आप पैन में आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पीसेस को रख के ढक के रख देना है। फिर 5 मिनट बाद चेक करना है, आके चेक करिए, फिर उसे फिर पलट दीजिए टर्न करके, फिर वापस से उसको पकाइए। इस तरीके से पैन में फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए हम हमारी ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है दूसरा एक पैन। इसमें हमने डाला है 1 क्यूब बटर, उसमें हमने डाल दिया अपना मैरिनेशन वाला, जो मैरिनेशन हमारा बचा हुआ था वो। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम उसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। तो देखिए तेल सारा सेपरेट हो चुका है, हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए जो हमारा पूरा बढ़िया से
अब हम साथ में जो हमने रायता सर्व किया है तो रायता बना लेते हैं। रायते के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम दही, इसको फेंट लिया था। फेंटने के बाद ये बारीक बारीक काजू काट वो सॉरी खीरा काट लिया है, इसमें खीरा मिक्स कर देंगे। टमाटर टमाटर है, हरी मिर्च है, टमाटर के बीज निकाल लिए थे। और लिया है हमने पुदीना, पुदीना को हाथ से उसकी पत्तियों को तोड़ के डालेंगे क्रश करके। देखिए इस तरीके से अच्छे से तोड़ लीजिए, इससे बहुत अच्छा रायते में फ्लेवर आता है। अब थोड़े से कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। ये कुटा हुआ भुना जीरा 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर आप कम ज़्यादा जैसा खाते हैं आप टेस्ट कर लीजिए, उस हिसाब से नमक मिक्स कर लीजिए। तो रायता भी हमारा हो चुका है रेडी। चलिए देखते हैं चिकन को। चिकन हमारा ये देखिए ऑफ हो गया है, ये ऑटोमेटिक होता है, तो इससे जब आपका टाइम हो जाता है तो ऑफ हो जाता है। ओवन में भी आप, ओवन भी यूज़ करके ओवन में भी आप बना सकते हैं टाइम सेट करके। देखिए चिकन के पीसेज हमारे तैयार हो गए, अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए कितने बढ़िया, बहुत अच्छे से एकदम पक जाते हैं, बहुत ही जूसी लगता है ये खाने में इस तरीके से बनाए। तो अब हमने ये लिया है एक कोयला, कोयले को हमने रख दिया इसमें स्मोकी, ये स्मोकी फ्लेवर देने के लिए है। तो देखिए ये गैस जला दिया हमने, इसमें रखा चिकन, इस तरीके से हम चिकन फ्राई करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें बटर, ब्रश की मदद से बटर इस पर स्प्रेड कर देंगे, लगा देंगे पूरे में। अगर आपको ये नहीं करना है तो नहीं ना करें, आप डायरेक्ट जो आपने निकाला है उस तरीके से भी इसको खा सकते हैं। ये थोड़ा इसमें कोई फ्लेवर हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। बस इसमें हम हमारी डालेंगे ग्रेवी, ग्रेवी के साथ ये मैंने अनियन स्लाइस कर लिए थे थोड़ा सा। तो ये हमारा रहा रायता। तो आप भी ऐसे ही बनाएँ, खाएँ, इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी खिलाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच किया करें जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिले। थैंक यू।